और मंच के सामने बैठे सभीओं को मेरा क्रांति सलाम, अभिनंदन, जय जवान है। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां वंशा चाइना से चलते हुए आके ये कहता है कि कोसल प्रदेश एक प्रकृति का वरदान है, लेकिन दुख इस बात का है मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां खनि और खदान से भरपूर संपत्ति है, लेकिन आज उस जगह से दादा में एक बहुत बड़ा समस्या है। माइग्रेशन ऑल ओवर इंडिया में कोसल प्रदेश एक बहुत बेहतरीन जगह ले चुका है। यहाँ हर कुछ प्रोडक्शन हमारे वहां मिलता है, लेकिन वहां कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट अभी तक नहीं मिला। आप झारसुगड़ा देख लीजिए, रौनगला देख लीजिए, सुंदरगढ़ देख लीजिए, आफ्टर मतलब पूरे विश्व, पूरे भारत में 58% आयरन मेरे प्रदेश से निकलता है, लेकिन आज भी मेरे प्रदेश तक बिजली नहीं पहुंचा है। मेरे प्रदेश में आज भी 75% रेवेन्यू है ओडिशा स्टेट का, जो कि मेरे प्रदेश से 75% रेवेन्यू मेरे कोसल प्रदेश से जाता है, लेकिन आज भी गरीबी और बदहाली की जिंदगी मेरे कोसल प्रदेश के लोग जी रहे हैं। आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर ए गुड हॉस्पिटल, स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर ए गुड इंस्टीट्यूशन। इज दिस द इक्वलिटी? इज दिस द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब जिस बदहाली में अपन लोग जी रहे, आप जरा आइए देखिए कोसल प्रदेश किस हाल में पहुंच चुका है। वहां भूखमरी, गरीबी इतनी जोर से बढ़ रहा है कि बाकी की कोई चिंता है नहीं वहां पे। वहां के कोई हॉस्पिटल है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आफ्टर पंजाब, मैं जिस जिले से आता हूं कोसल प्रदेश का, आफ्टर पंजाब भारत में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट मेरे जिले बरगढ़ में हुए, लेकिन आज भी एक टाटा मेमोरियल की कैंसर हॉस्पिटल की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है हमको। सो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सेपरेट स्टेट हर जगह भारत में अभी नया मोड़ लेने वाला है, मैं उन सभी को आग्रह करता हूं, मैं उन सभी को हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि समय आ गया है। सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार, अगर उसकी वोट पे मार ना पड़े तो समझता नहीं है। अब समय आ गया है हम लोगों को अपने मातृभूमि के, अपने कुछ अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए एकत्रित होके पूरे भारत में सेपरेट स्टेट मुद्दा को मजबूत करना पड़ेगा, उसकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इससे पहले आदिवासी सेना के जो भाई आए थे और उनकी बहन जो थी, उनके लिए मैं दो पद कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन इस बार मैं ये कहना चाहता हूं कि द्रौपदी के चिरहरण में, द्रौपदी के चिरहरण में जो चुप पाए जाएंगे इतिहास के कालखंड में सबका यह कहलाएंगे। हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई के साथ हैं, आइए मिलकर लड़ते हैं, एक नया भारत बनाते हैं, एक नया राज्य बनाते हैं और उसी हिसाब से सब साथ मिलकर चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विस्तार रूप से और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा, ये जो इलेक्शन वगैरह की चर्चा हो रहा है ये सही बात है, होना चाहिए, सबको साथ आके मिलना चाहिए, लेकिन मैं मेरे हिसाब से ये बोलना चाहता हूं कि 24 का मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। अगर 24 से 29 तक ठीक प्लानिंग, सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से मिलकर अगर लड़ा जाए तो कोई भाई का लाल नहीं है जो हम लोगों को रोक सके, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग कोऑर्डिनेट करके मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे को इतना वक्त देने के लिए। आप सभी को मैं फिर से नमन करता हूं और मेरा वक्तव्य यहीं से रखता हूं। जय जोहार, जय कौशल, जय मां समले, इनकलाब जिंदाबाद।